हेलो गाइस, वेलकम टू कंपटीशन दुनिया विद अमन। नीट 2019 एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों, आपके नीट एग्जामिनेशन 5 मई को है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या है ड्रेस कोड, क्या है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपको एग्जाम सेंटर पे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ जाए, तो वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले बात बता दें दोस्तों, जो NTA नीट 2019 एडमिट कार्ड रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आप ध्यान से पढ़ें, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और NTA ने ऑलरेडी आपको ड्रेस कोड के रिलेटेड एक स्पेशल गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, आपको ये बता दिया है कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है। तो अगर मैं आपकी बात करूं दोस्तों, तो एस्पिरेंट्स को जो कि आपके जो बजे आप स्टूडेंट्स हो, आपको ध्यान देना है कि आपको शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको स्लीपर्स पहनना है, आपको अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप सैंडल्स या लो हील्स आप पहन सकते हो, बॉयज़ भी आपको शूज़ नहीं पहनना है, ठीक है। सेकेंडरी में बात करूं तो आपको ऐसे क्लोथ्स नहीं पहनने हैं जिसके फुल स्लीव्स हों, जी हाँ, हाफ टी शर्ट्स पहन सकते हो, साथ में कोई ऐसे बैचेस वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर जो कस्टमरी ड्रेस है लाइक बुरखा वगैरह अलाउड नहीं है। अगर बात करूं, अगर आप पहनना चाहते हो, अगर आपने फॉर्म में भरा है कि आप ड्रेस कोड फॉलो नहीं करोगे, आप अपने रिलीजियस जो भी ड्रेस है वो पहनोगे, वो भी इसमें रखा गया। आपको दोस्तों सेंटर पे 12 बजे तक पहुंच जाना है, जी हाँ, यू हैव टू रीच द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट बाय 12:30 PM। दैट्स वाई NTA सेड दिस टाइम टेबल, बिकॉज आपको वो चेक करेंगे, वो थॉरली चेक करेंगे, तो आपको पहले आना है टाइम से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बुरखा वगैरह पहनते हो या अपने कस्टमरी या रिलीजियस ड्रेस पहनते हो, सिख हो आप, जो भी आप मतलब आपके रिलीजन है, यू कैन फॉलो दैट, सो आपको वहाँ पहले पहुँचना है। सो गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली इन द नीट 2019 एडमिट कार्ड। और उसके अलावा कुछ मैं बातें बताऊँ दोस्तों आपको जो कि 100% होती हैं, आपको वहाँ पर फेस होगा इशू, तो वो भी आप सुन लो। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स विच आर नॉट अलाउड। और क्लियरली आप समझ लो क्यों वॉचेज आपको क्लासरूम में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको वॉचेज कोई भी वॉच हो, ठीक है, मैनुअल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो, कोई भी वॉचेज आपको अलाउड नहीं है। हैंडकर्चीफ ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है, कॉइन्स नॉट अलाउड। आप पैसे रख सकते हो लेकिन आप डेबिट कार्ड नहीं रख सकते हो, आप कॉइन्स नहीं रख सकते हो, तो आप याद रखना, आप रुपीज ले जाना, पैसे ले जाना, बट कॉइन्स वगैरह अलाउड नहीं होंगे। बेल्ट्स अलाउड नहीं होगा, इयर रिंग अलाउड नहीं होगा, ठीक है, हेयर बैंड अलाउड नहीं होगा। उसके बाद हाथ में जो आप पहनते हो कारा वगैरह जिसे बोलते हैं, वो भी अलाउड नहीं होगा। सो जस्ट गाइज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, कुछ बातों को आप ध्यान में रखें, बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, आई होप यू ऑल विल गिव योर बेस्ट और आप सबके